1500 की सैलरी में 5 साल 8 महीने रुका हुआ हूं, तो यहां पर 4750 रियाल मेरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड सीखो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जिसका मेन मकसद यह था कि जो लोग काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, अगर उनके कफील उनके साथ कुछ हैरेसमेंट करते हैं, मारते हैं या फिर गाली देते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। और भी इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फायदे हैं, जो बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं, उनमें मैं एक दो आपको बता देता हूँ। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर जब मैं आपको भी लेकर चलूंगा, तो मैं आपको कि बहुत सारी सर्विसेज में दी गई हैं। कुछ जो मेन सर्विसेज हैं, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कफिल के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। यहां पर एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, उस नंबर पे अगर आप कॉल करना चाहें, उस नंबर के थ्रू भी अब आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी, यहां पर आप अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट काउंट कर सकते हैं। अब एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट वो होता है जब आप काम करके अपने कफिल के पास से छुट्टी पर जाते हैं या फिर फाइनल एग्जिट पर जाते हैं, तो उस टाइम पर जो आपको बोनस दिया जाता है, उसको बोलते हैं एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। उसको आप काउंट कर सकते हैं कि आप अगर 4 साल रुके हैं, 5 साल रुके हैं, तो उस 4 या 5 साल में आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कितना हुआ है। दोस्तों, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा। तो आज किस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इस एप्लीकेशन में कैसे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद कैसे लॉगिन करेंगे, और इसके बाद में जो अंदर सर्विसेज मिलेंगी वो कौन कौन सर्विसेज होंगी। दोस्तों, चलते चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको बताते हैं पूरी प्रोसेस। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली यहां पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद इस वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि आपके नफाद का पेज ही होगा, जो कि आपका अफसर आईडी और पासवर्ड यहां पर मांगा जाएगा। तो सिंपली इसमें आपको आपका अफसर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर लेना है, उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आपको सऊदी अरब का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर देना है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर +9 66 नहीं, 05 भी नहीं, सिर्फ 5 से शुरुआत करनी है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाला आइकन जो नीचे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने अभी एंटर किया है, तो वो OTP आपको यहाँ पर दोबारा से फिलअप कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों, OTP आ चुका है, चलिए मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके सिंपली गेट स्टार्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे, तो एक आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, ये पेज ओपन हो चुका। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो नीचे तीर दिख रहा है, इस पे आपको नेक्स्ट 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 3 से 4 बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, काटने वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको हेल्प सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 कॉलिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे कि आप मिनिस्ट्री को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है। ये जो नंबर है, इससे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इससे मिनिस्ट्री को जाएगी। लेकिन नीचे वाला जो कॉलिंग डिटेल यहाँ पर दी गई है, 1919 वाली, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो 1919 पे जब आप कॉल करेंगे, तो ये इसलिए है कि अगर आपके साथ कोई वायलेशन हो रहा है, आपका कफिल आपको परेशान कर रहा है, तब आपको इस नंबर पर कॉल करनी है। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन का सिस्टम बताता हूँ। यहाँ पर लेबर लॉ वायलेशन पे आपको क्लिक करना है, जो दूसरे नंबर का आइकन आपको यहाँ पर बीच में दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। जब आप गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे, तो मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, इससे कुछ नहीं, आप सिंपली करके आ सकते हैं। अगर आपका कफिल आपको परेशान करता है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट ही रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सबमिट कंप्लेंट्स का ऑप्शन आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कंप्लेन रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है। किसी भी तरह की कंप्लेंट हो, आप सिंपली मिनिस्ट्री को सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, और कोई भी प्रॉब्लम आपको सेंड करने में नहीं होगी। सबसे पहले आपका राज्य सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सिटी, उसके बाद गवर्नमेंट आइडेंटिटी। हालांकि मैं आपको अगली वीडियो में इसका पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आपको कैसे सर्विसेज का यूज़ करना है, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन बता रहा था, इसलिए इसमें मैंने वो चीज़ कवर नहीं की, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा लोगो आ चुका है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सर्विसेज दी गई, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो एक रीज़न आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्यों आप जाना चाहते हैं, कोई भी कर लेना है। उसके बाद सैलरी आपको यहाँ पर आपकी टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको ये टाइप करना है कि आप कितने साल रुके हैं, तो 5 साल।
उसके बाद आपका 5 साल कितने महीने रुके हैं तो ये भी टाइप कीजिए। उसके बाद अगर आप दिन भी हैं इसमें तो आप दिन टाइप कर सकते हैं, अन्यथा सिर्फ साल भी टाइप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर मेरी 1500 की सैलरी में 5 साल 8 महीने रुका हुआ हूँ तो यहाँ पर 4750 रियाल मेरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है, यानी कि बोनस बनता है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।